नमस्कार, संथाल प्रगना के क्लीन न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। दुमका में एक दर्दनाक हादसा, टैंकर की चपेट में आने से पिता पुत्र समेत तीन की मौत, दूसरी बाइक की टक्कर से गिरे थे सड़क पर। जामा थाना क्षेत्र के अमला चातर गांव के पास मंगलवार को सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई। दुमका जामताड़ा फतेहपुर मेन रोड पर गैस टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार पिता पुत्र समेत तीन की मौत हो गई। इसकी बाइक टैंकर को ओवरटेक कर आगे बढ़ रही थी, तभी सामने से आ रही दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में पिता पुत्र और चचेरा भाई सड़क पर गिर गए और इसी दौरान टैंकर ने उन्हें कुचल दिया। वहीं इस हादसे में दूसरी बाइक सवार साहेबगंज के युवक बाल बाल बच गए। मृतक गोड्डा के महागावा थाना क्षेत्र के मोहिनी गांव का बताया जा रहा है। दुमका में ट्रैवल टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। दुमका की उपायुक्त राजेश्वरी बी ने मंगलवार को कहा कि सूबे की उपराजधानी दुमका को ट्रैवल टूरिज्म के रूप में विकसित करने का ब्लूप्रिंट तैयार है। इसके लिए दुमका में ट्रैवल म्यूजियम का निर्माण कराया जाएगा। आने वाले दिनों में यहां पर्यटन के विकास पर खास तौर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उपायुक्त ने यह बात मंगलवार को समारोह में हुई डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल की बैठक में कही। पत्रकारों से दुर्व्यवहार करने वाले रेलवे अधिकारी पर कार्रवाई हो। दुमका रेलवे स्टेशन का सोमवार को निरीक्षण करने पहुंचे आसनसोल के DRM सुमित सरकार के साथ आए एक अधिकारी द्वारा दुमका में पत्रकारों के साथ किए गए दुर्व्यवहार मामले में झामुमो की जमा विधायक सीता सोरेन ने सोशल मीडिया के जरिए संवाद कर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से कार्रवाई की मांग की है। हालांकि सीता के इस पहल पर रेल मंत्री के कार्यालय ने अब तक कोई पहल नहीं की है। गोड्डा से सेवानिवृत्त शिक्षक का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद। पथरगामा थाना क्षेत्र के गांधीग्राम हाट के निकट मंगलवार की तड़के पुलिस ने एक व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद किया। शव की पहचान 62 वर्षीय बाबूजी मुर्मू के रूप में हुई है, जो सुंदर पहाड़ी प्रखंड के वंसलपुर गांव का रहने वाले थे। सूचना मिलने पर उनके परिजन वहां दौड़े भागे आए और शव से लिपट कर विलाप करने लगे। मृतक 62 वर्षीय बाबूजी मुर्मू सेवानिवृत्त शिक्षक थे। गोड्डा के पूर्व कांग्रेस सांसद फुरकान अंसारी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार में किसानों की हालत दयनीय है। झारखंड मजदूर कल्याण संघ के बैनर तले ताजा कोठी जंगल में मंगलवार को 9 वर्ष मिलन समारोह शवन भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता झारखंड मजदूर कल्याण संघ के केंद्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक राजेश रंजन ने की। कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजेश रंजन ने सभी कार्यकर्ताओं को 9 वर्ष की शुभकामनाएं दी एवं सभी कार्यकर्ताओं को इस नए साल में नए सिरे से काम करने की प्रेरणा दी। चंदा की राशि के लिए हुई ग्राम प्रधान की हत्या। गोड्डा जिले के बुआरीजोर थाना क्षेत्र की मेघी पंचायत अंतर्गत मोहल्ला गांव की ग्राम प्रधान चंपा चौड़े हत्याकांड पर SP YS रमेश ने मंगलवार को खुलासा किया। बुआरीजोर थाना की पुलिस ने सोमवार की रात मोहल्ला गांव में छापेमारी कर कांड में शामिल कैलाश सोरेन उर्फ बाबूजी सोरेन उर्फ टुयो को गिरफ्तार किया। मंगलवार को SP YS रमेश ने उक्त हत्याकांड का खुलासा किया। गिरफ्तार कैलाश सोरेन ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। उसने पुलिस को बताया कि ग्राम प्रधान के साथ उसकी पुरानी रंजिश चल रही थी। 3 साल पहले गांव में एक मारपीट के मामले में बुलाई पंचायत में ग्राम पंचायत ने उस पर 4,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा 1 माह पूर्व जहर थान पूजा के लिए गांव में चंदा किया गया था, इसकी रकम उनके पास थी। उक्त रकम को प्रधान जमा करने के लिए लगातार दबाव बना रही थी। इस कारण 1 जनवरी के रात उसने शराब के नशे में खजूर की ताड़ी निकालने के लिए प्रयुक्त हसूली से चंपासन की गला रेत कर हत्या कर दी। खबर अब देवघर से। झारखंड के देवघर में ट्रिपल मर्डर से मचा कोहराम, एक साथ 3 युवकों की गोली मारकर हत्या। झारखंड के देवघर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। देवघर के जसीरी थाना इलाके के बागमारा मोहल्ला स्थित एक सुनसान जगह पर अर्ध निर्मित मकान में एक साथ 3 युवकों की लाश मिली। 20 से 25 वर्ष उम्र के तीनों युवकों की गोली मारकर हत्या की गई। घटना स्थल से लोडेड पिस्टल भी बरामद किया गया है। आस पास लगता है नशेड़ियों का जमावड़ा।
जिस जगह से 3 युवकों का शव बरामद किया गया उसके आसपास हर दिन नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। लोगों ने बताया कि इसके आसपास हर दिन नशा करने वालों की जमा होते हैं। शाम के वक्त खासतौर पर ऐसे युवाओं की संख्या काफ़ी रहती है। शराब पीने के साथ ही ड्रग्स, गांजा पीने वाले, डेंड्राइट के नशा करने वाले जुड़ते हैं। देवघर स्टेशन के पास भी ऐसे लोग जमा होते हैं। प्राकलन के अनुरूप नहीं हुआ है कार्य, क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। विधानसभा की प्राकलन समिति ने मंगलवार को मोहनपुर में 3 योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया। चांदन नदी पर बनी पुलिया 3 सीमानी से पिपरा सिलैया तक, पीसीसी एवं रिकिया मध्य विद्यालय में अतिरिक्त भवन के निर्माण कार्य को देखा। समिति के सभापति दीपक बरुआ ने कहा कि कार्यों को देखकर लगता है कि प्राकलन के अनुसार 100% काम नहीं हुआ है, इसे क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता है, लेकिन अभी इस पर इससे अधिक टिप्पणी नहीं की जा सकती है। अब पूरे मामले को देखने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। खबर जामताड़ा से, 5 भाई, 5ों के 5 साथी साइबर अपराधी, इनकी ठग विद्या से देश भर की पुलिस हलकान। देश में झारखंड के जामताड़ा के साइबर अपराधियों की अलग ही पहचान है। ये अपराधी ही कमाई की बदौलत ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। ये देख जामताड़ा के आसपास के जिलों के युवा साइबर अपराधी की ओर तेजी से आकर्षित हुए हैं। आलम यह है कि एक परिवार में 5 भाई हैं तो 5ों के 5 साइबर अपराधी निकल रहे हैं। ऐसे ही देवघर के 5 सगे भाइयों के गिरोह से देशभक्त की पुलिस परेशान थी, अब पकड़ में आए हैं इन साइबर अपराधी बंधुओं की कहानी हैरान करने वाली है। वैक्सीन के रख रखाव को मिली तकनीकी जानकारी। नियमित टीकाकरण वैक्सीन तथा कोविड-19 वैक्सीन के सुरक्षित रख रखाव तथा आपूर्ति की बेहतर सुविधा बहाल को लेकर मंगलवार को शिविर सदन कार्यालय सभागार में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। जिला, प्रमंडल तथा पंचायत स्तर पर संचालित शीत श्रृंखला कक्ष के संचालक तथा सहयोगी संचालक को पहले दिन मंगलवार को वैक्सीन सुरक्षित रख रखाव के वितरण संबंधित प्रशिक्षण WHO से पहुँचे प्रशिक्षक ने दिया। आदिवासियों के साथ खिलवाड़ करना बंद करे सरकार। फतेहपुर प्रखंड की अगैया सरमुंडी पंचायत के अंगूठिया में आदिवासी संगेल अभियान के तहत सरना धर्म कोट की मांग को लेकर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद से आदिवासी संगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाखल मुर्मू ने कहा कि झामुमो गठबंधन व भाजपा दोनों ही राजनीतिक दल आदिवासियों को ठगने का काम कर रही है। कहा कि झामुमो सिर्फ अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आदिवासियों का उपयोग करती है। सरना धर्म कोट विधानसभा में पारित करना महज छलावा है। पहले तो आदिवासियों की मांग के अनुरूप इसे पारित किया गया, साथ ही पारित किए गए अध्यादेश में राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं कराया गया। ANS कोर्स के लिए छात्राओं को नहीं जाना होगा दूसरे जिलों। इच्छुक युवती तथा महिलाओं को पहली बार इस वर्ष ANM का प्रशिक्षण जिला मुख्यालय में मिलेगा। अब इच्छुक युवतियों को ANM प्रशिक्षण पाने के लिए दूसरे जिले में नहीं भटकना पड़ेगा। दुलाडी स्थित GANM प्रशिक्षण भवन में स्वयंसेवी संस्था की ओर से ANM प्रशिक्षण सत्र चालू किया जाएगा। 2 वर्ष का कोर्स है, 240 ANM की प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा। इसकी तैयारी पूरी करने में विभाग जुड़ गया है। खबर पाकुड़ से, प्राकृतिक से जुड़ी है आदिवासियों की परंपरा। आदिवासियों की परंपरा प्राकृतिक से जुड़ी है। आदिवासी समाज प्रकृति के उपासक होते हैं, इन संसाधनों की सुरक्षा इन्हीं के जिम्मे होती है। ये बातें पुलिस लाइन में मंगलवार को आयोजित आदिवासी समाज के सोहराय महापर्व मिलन समारोह में पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल ने कही। पाकुड़ पुलिस सोहराय कमेटी की ओर से 1 दिवसीय मिलन समारोह का शुभारम्भ SP ने आदिवासी परम्परा के तहत प्रकृति की पूजा कर किया, साथ ही कबूतर उड़ाकर लोगों को शांति का संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन विपिन यादव ने किया। SP ने स्वयं मांदर बजाकर लोगों को झूमने में मजबूर कर दिया। झामुमो बर्दाश्त नहीं करेगा मुख्यमंत्री पर हमला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर रांची के किशोरगंज में हुआ जानलेवा हमला एक सोची समझी राजनीति से प्रेरित है। मुख्यमंत्री के कल्याणकारी योजनाओं को देख विपक्ष हताश हो गया है। आम लोगों के बीच बढ़ती लोकप्रियता भाजपा के लोग पचा नहीं पा रहे हैं, इससे हताश होकर एक षड्यंत्र के तहत मुख्यमंत्री पर हमला कराया गया। ये बातें झामुमो जिला अध्यक्ष श्याम यादव ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में कही। जिला अध्यक्ष ने कहा कि झामुमो इस घटना की कड़ी निंदा करती है।
हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।